मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ जालना का आंदोलन अब सभी समाजों में फैलता जा रहा है। अब धनगर समाज भी उठ खड़ा हुआ है और समाज को एसटी संवर्ग में आरक्षण देकर अनुसूचित जमाति का प्रमाण पत्र त्वरित देने की मांग को लेकर समाज बांधों ने कलेक्ट्रेट पर धावा बोला है। धनगर समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व सांसद विकास महात्मे के नेतृत्व में समाज बांधों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी इटनकर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उसके पूर्व परिसर में आरक्षण की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। महात्मे ने कहा कि बीते 75 वर्षों से धनगर समाज को एसटी संवर्ग के आरक्षण से वंचित रखा गया है। अनेक वर्षों से समाज को आंदोलन कर सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन राज्य व केंद्र सरकार दुर्लक्ष कर रही है। हमारी मांग मुख्यतः एक ही है, वो धनगर आरक्षण जो हमको बताया गया था और पिछले ठाकरे सरकार ने भी हमें लिखित रूप में दिया था, ये सरकार ने वो अभी तक के उसका कार्यान्वित नहीं हुआ है। वो कार्यान्वित जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और जो सोलापुर में हुआ भंडारा लगाया गया था मंत्री जी को, तो उनको शांतिपूर्वक आंदोलन किया, उसमें हिंसाचार की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसको लात मारी है, भुक्के मारे हैं, ये जो बात है ये बिल्कुल सही नहीं है, उसका हम निषेध कर रहे हैं। और हमारे लिए जो आदिवासी के लिए, जो ट्राइब के, शेड्यूल ट्राइब के लिए वही योजनाएँ धनगर समाज के लिए ऐसा तय हुआ था, उसके जीआर भी निकले, हमने उस पर काम किया था और जीआर निकले, लेकिन पूरी तरह से उसको कार्यान्वित नहीं हुआ है, किया हुआ है। तो वो 1000 करोड़ का जो भी अमाउंट है वो पूरा निधि आवंटित किया जाए, उसका लोगों तक के पहुँचे। जैसे कि छात्रों के लिए वसतिगृह था, छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति थी, वैसे ही जो बेड़ी चलाते हैं, जैसे उनको हम मेंढपाळ बोलते हैं, उनको जो निधि मिलने वाला था, चराई क्षेत्र उपलब्ध करने वाले थे, वो भी नहीं हुआ है। वैसे ही जो सभी पिछड़े हमारे इसमें पिछड़े जो है उनके लिए आगे होने के लिए जो भी योजनाएँ उसमें थी वो अभी तक के कार्यान्वित नहीं हुई। तो एक खिड़की से हमको 1000 करोड़ का पूरा का घरकुल योजना है, पूरा कार्यान्वित नहीं हुई, तो ये सब हमको मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। इससे समाज में रोष है, अनेक लोग तो आत्महत्या तक कर चुके हैं। धनगर समाज अगर भड़क उठा तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।